हेलो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं सनराइज एजुकेशन एकेडमी में। मेरा नाम विशाल भार्गव है और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो हमने लास्ट के चैप्टर में विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी। मेरी आवाज आ रही है टेक्निकल टीम? ओके हेलो, ठीक। तो मैंने लास्ट की क्लास में विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको बताया, जिसमें एक बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र अपन लोगों ने फाइंड किया था। उसका फॉर्मूला था E बराबर के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर। और यदि मैं दो स्थिर आवेशों की बात करता हूँ, क्यू वन और क्यू टू की, और उनके बीच में दूरी जो है वो स्मॉल आर है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, उसको हमने बोला था कूलाम का बल। और कूलाम के नियम के अनुसार उस बल का जो सूत्र आया था वो F बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें K की वैल्यू जो है वह 1/4πε0 था। क्यों एप्साइलन नॉट आया? क्योंकि वहां पर कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं था। निर्वात की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, हमने एप्साइलन नॉट लिया। अगर कोई मीडियम होता, कोई माध्यम होता, तो उस केस में एप्साइलन आ जाता। तो हमने ये पुरानी कक्षाओं के बाद चर्चा की थी। अब हम नया चैप्टर जो है वो शुरू करने वाले हैं, जो आपकी किताब का सेकेंड चैप्टर है। नाम है बेटा विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो आइए हम देखते हैं। तो विद्युत फ्लक्स, हमारा जो चैप्टर है बेटा वो है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, दो मिनट। ओके बेटा, तो हम डिस्कस आज जो करने वाले हैं वो विद्युत फ्लक्स को करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है वो होता क्या है एक्चुअली में, कि किसी भी आवेश द्वारा, जैसे कि यहाँ पर कोई क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश है, और इस प्लस क्यू आवेश को किसी भी मैंने पृष्ठ में रख दिया है। पृष्ठ का मतलब इस क्यू आवेश को मैंने पैक कर दिया है, पैक कर दिया है। पैक करने के बाद अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं प्लस हैं, तो बाहर की ओर जाएगी, बकायदा बाहर की ओर जा रही है। तो यहाँ किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से, जैसे सपोज दैट कि यह क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र से कितनी बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी इस पर्टिकुलर क्षेत्र से, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ये 2D नहीं है बेटा, ये 3D में बना रहा हूँ। कोई भी चार्ज है, अगर मैं इस कमरे में चार्ज रख देता हूँ, तो इस कमरे में मैं देखता हूँ कितने फलक के टोटल फेस है, 6 फेस है, ऊपर नीचे दाएं बाएं और आमने सामने, दाएं बाएं आमने सामने, 6 फेज है। तो पर्टिकुलर एक फेज से या पर्टिकुलर एक एरिया से, जैसे दरवाजा ले लिया मैंने, पर्टिकुलर दरवाजे से कितनी विद्युत बल रेखाएं जाती हैं या फिर आती हैं, उन विद्युत बल रेखाओं का उन पर्टिकुलर क्षेत्रफल से गुजरना ही क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। पासिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देख सकते हैं आप कि पर्टिकुलर एरिया, सपोज दैट कि ये है, और ये मैंने मान लिया छोटा सा अल्पांश ले लिया क्षेत्रफल का, छोटा सा क्षेत्रफल का अल्पांश लिया है, ds लिया है। तो ds से कुछ बल रेखाएं जो जाएगी, विद्युत बल रेखाएं, सपोज दैट कि ये E बल रेखाएं जो है वो ds से जा रही हैं, क्योंकि E जो है वो विद्युत क्षेत्र होता है और विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, इसलिए मैंने यहाँ पर E के ऊपर एरो लगा दिया। क्षेत्रफल भी तो सदिश राशि होती है, तो इसके ऊपर भी मैंने क्या लगा दिया बेटा, एरो लगा दिया। अब इस क्षेत्रफल से विद्युत बल रेखाएं जो गुजरती हैं, उसी को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला जो है वो फाई, मतलब विद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ डी एस से, तो मैं यही लिख रहा हूं कि क्षेत्रफल डी एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू एरिया
ds, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू अ एरिया ds, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास में d phi क्यों हुआ, क्योंकि ds से गुजर रहा है, तो d phi इक्वल्स टू e इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds, कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड तथा एरिया के डॉट मल्टीप्लीकेशन के ये d phi विद्युत फ्लक्स बराबर होता है, ये d phi है, तो अगर इसका phi लेके चलूंगा तो आपको पता है ये डिफरेंशिएशन है, d का मतलब होता है अवकलन, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन जब बराबर के उस साइड में लेके जाता हूं मैं तो इंटीग्रेशन हो जाता है, अवकलन को बराबर में उस साइड में लेके जाऊंगा तो समाकलन हो जाएगा, तो यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा और फॉर्मूला क्या आ जाएगा e डॉट ds, तो ये फॉर्मूला आपके पास में आ गया। ओके बच्चों, अब बताओ अगर मैं बोलता हूं कि दो वेक्टर क्वांटिटी है उनका डॉट मल्टीप्लीकेशन है वो सदैव हमें कौन सी राशि देगा, डॉट मल्टीप्लीकेशन का दूसरा नाम क्या होता है, बिंदु गुणनफल का दूसरा नाम अदिश गुणनफल होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि दो सदिश राशियों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, बिंदु गुणनफल करते हैं, तो जो हमें प्राप्त राशि होती है वो राशि कौन सी होती है, अदिश राशि होती है, इस वजह से हम इसको अदिश गुणनफल भी कहते हैं। तो मेरे पास में एक बात आ गई कि यह जो फाई जो है वो कौन सी राशि है, अदिश राशि है, इंग्लिश में बोले तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसी वजह से ही तो मैंने इसके ऊपर एरो का साइन नहीं लगाया। बात करते हैं इसके मात्रक की, तो मात्रक देखो आप यूनिट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब याद करो पिछली वाली कक्षा विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला था हमारे पास में F बराबर QE, तो E बराबर फॉर्मूला था क्या बेटा, F अपॉन Q, यही जो था ना, तो F का मतलब तो हो गया आपका न्यूटन और Q का मतलब हो गया कूलम्ब, तो E की जगह तो मैंने क्या लिख दिया, न्यूटन अपॉन कूलम्ब इंटू, E की जगह न्यूटन अपॉन कूलम्ब इंटू ds जो है वो क्षेत्रफल है, तो उसकी जगह लिख दिया मीटर स्क्वायर, तो ये इसका मात्रक आ गया, क्या मात्रक आ गया, न्यूटन पर कूलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर। अगर न्यूटन को मैं थोड़ा ओपन करूं और कूलम्ब को भी ओपन करूं तो न्यूटन को आप क्या लिखते हो, न्यूटन को आप लिखते हो, याद हो तो न्यूटन तो फोर्स होता है, फोर्स जो है वो एम ए के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, अपॉन में कूलम्ब है। अब आपको याद करो मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था I बराबर क्या होता है, q अपॉन t, तो q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू t, अब q जो है वो है कूलम्ब आपका, I एम्पियर और सेकेंड, तो एक कूलम्ब में एक एम्पियर इंटू एक सेकेंड लिख सकते हैं, तो कूलम्ब की जगह मैंने अपॉन में क्या लिख दिया, एम्पियर इंटू सेकेंड। ओके, इंटू में कौन है बेटा, मीटर स्क्वायर, तो ऊपर कौन हो गया, मीटर स्क्वायर। अब इस चीज को थोड़ा मल्टीप्लीकेशन करके आप बता दो कि भाई इसका अन्य दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, तो केजी ही रहेगा, मीटर को मीटर क्यूब स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर क्यूब आ गया, अपॉन सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड से मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड क्यूब आ गया, सेकेंड की क्यूब आ गई, और एम्पियर तो है ही है, एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब। तो बताओ अब मुझे बच्चों ये वीमा क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन देख सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये सब मूल राशियां ही है, मूल मात्रक ही है, तो m, m का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान मास, मास का मात्रक केजी ऊपर की ओर है, तो m की वीमा 1 हो गई, L का मतलब लंबाई, लेंथ, लेंथ का जो है वो मीटर क्यूब है, तो L की वीमा 3 हो गई, T जो है सेकेंड, सेकेंड यहाँ पर अपॉन में है, सेकेंड क्यूब ऊपर जाएगा तो सेकेंड की पावर -3, तो T की वीमा -3 हो गई, और एम्पियर जो है इसकी वीमा ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी, तो ये बेटा क्या आ गई, इसकी है वीमा आ गई है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ओके देखिए,
मेरे पास में जो नोट्स पड़े हैं अभी वो नोट्स आपके सीनियर बच्चों के ही हैं। हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि वगैरह हो, इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का बोलूं तो आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा? ओके। और उसमें यदि ज्यादा त्रुटियां तो नहीं है, अच्छे बच्चे हैं वो भी, तो अगर हो भी जाए तो आपके पास में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पड़े हैं, तो उस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो लिख सकते हैं। अगर आप ग्रुप में भेजते हो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में भेज दो। अगर आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भेज सकते हैं अपनी प्रॉब्लम तो कोई इशू नहीं है, पर्सनल मैसेज करके भी आप मुझे भेज सकते हैं। मैं टेलीग्राम भी यूज करता हूँ, मैम टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन तीनों पर आप अपने प्रॉब्लम डाउट को शेयर कर सकते हो। बकायदा अगर लंबा डाउट है तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हो, कॉल करके भी मुझे आप पूछ सकते हो कि सर ये क्या समस्या है, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो, और YouTube में कमेंट आप करके अपनी प्रॉब्लम रख सकते हो, या फिर यदि मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ताकि मुझे पता चले कि आप में से कौन कौन बच्चे हैं जो एक्टिव हैं और जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास में एक फॉर्मूला जो आया है वो ये आया है, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के आधार पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। सपोज दैट कि एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, एक बार क्वेश्चन क्या पूछा कि E बराबर 5 इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र जो है E बराबर 5 न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर दे दिया, S जो एरिया दे दिया वो 10 मीटर स्क्वायर दे दिया, और उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री दे दिया। अब मुझे फाइंड आउट करना था यहाँ पर फाइव, तो मैं जानता हूँ फाइव बराबर क्या फॉर्मूला होता है, E डॉट S फॉर्मूला होता है, E डॉट S होता है। इस फॉर्मूले को यदि मैं खोलूंगा तो यहां पर लिख सकते हैं आप इसका अन्य फॉर्मूला, इस कोष्टक में लिख दीजिएगा E डॉट S, या फिर इसको ओपन करें तो ई एस कॉस थीटा। आई होप, क्योंकि मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, तो डॉट मल्टीप्लीकेशन है, उसको ओपन करने का तरीका उनको भली भांति याद होगा, एबी कॉस थीटा होता है, और यही अगर डॉट की जगह क्रॉस होता तो आप क्या लिखते, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एस कोस थीटा। ई की वैल्यू बेटा कितनी है 5, इंटू एस की वैल्यू कितनी है 10, इंटू कोस 60, इंटू अब यहाँ पर यूनिट देख लो 5, ई की यूनिट क्या थी, ई की यूनिट थी न्यूटन इंटू न्यूटन अपॉन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में और साथ में कौन आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई, ये न्यूटन, देखो ई की यूनिट न्यूटन पर कूलाम इंटू सेकेंड की एस, एस का मतलब क्या है एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। अब देखते चलो यहाँ कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 5 इंटू 10 इंटू 1/2 न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, इसका भाग इसमें जाएगा 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया 5 न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपके पास में आ गई है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई E का मान दे लिखा है आपको 2i kf + 3j kf + 4k kf, और यहाँ पर S की वैल्यू जो है वो दे रखी है आपको ik + 0jk + 2kkf, ये दे रखी है, और आपको पूछे कि भाई बताओ फाइव की वैल्यू क्या होगी, तो फाइव बराबर ई डॉट डी एस होता है। आप लोगों को ये मल्टीप्लीकेशन भी मैंने 11th क्लास में बताया था बेटा, क्या होता है ये मल्टीप्लीकेशन, ई की जगह आप रख दो 2ik + 3jk + 4kkf, और डॉट मल्टीप्लीकेशन में ik + 0jk + 2kkf। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 2i, आई के साथ में यहाँ 2 है, यहाँ आई के साथ में 1 है, तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2 × 1 प्लस, अब यहाँ पर j के साथ में 3 है, यहाँ पर j के साथ में 0 है,
तो 3 × 0 हो गया, प्लस यहाँ के साथ में 4 है, यहाँ के साथ में 2 है, तो 4 × 2 हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 + 0 + 8 = 10 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो अब मुझे बताइए ये चीज समझ में आई आपको या नहीं आई? आ गई, ठीक है। एक और एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैं क्यों करवा रहा हूँ क्योंकि जो मैंने लास्ट ईयर क्लास ली थी तो उस नोट्स में आपको ये एग्जांपल मिलेंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि मैं जो आपको लिखने के लिए दे रहा हूँ वो है क्या एक्चुअल में, ठीक है बेटा। तो आई होप नोट्स में ये चीज समझ में आ जाएगी आपकी। नोट्स में मैंने तो लिखा नहीं है, नहीं लिखा है, तो आपको समझ में आए या नहीं आए इसलिए मैं आपको पहले ही समझा रहा हूं। तीसरा एग्जांपल नोट्स में आपको क्या मिलेगा, यह विद्युत क्षेत्र है, ठीक है बेटा, विद्युत क्षेत्र जिसकी डायरेक्शन ई दे रखी है, और इस विद्युत क्षेत्र में यदि मैं किसी बेलनाकार वस्तु को रख देता हूँ, ये मैंने कौन सी वस्तु रख दी है, बेलनाकार वस्तु। आप देख सकते होंगे यहाँ पर ये बेलनाकार वस्तु, ठीक है, ये बेलनाकार वस्तु रख दी और मैंने कहा इस बेलनाकार वस्तु के अंदर से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है बेटा। तो अपन इस बेलनाकार वस्तु को अब सॉल्व करने के लिए मुझे क्षेत्रफल को डिनोट करना पड़ेगा, तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको इस एरिया को नाम दे देता हूं मैं S1, ये जो एरिया है इस एरिया को नाम दे देता हूं मैं S2, और ये जो वक्रीय जो कर्व वाला एरिया होता है साइड में इसका नाम दे दिया मैंने S3, और नाम के साथ साथ में इनकी डायरेक्शन भी बता दी है बेटा। डायरेक्शन देख सकते हो आप, ये जो वक्र वाला है इसकी डायरेक्शन तो बाहर की तरफ होगी क्योंकि वक्र पूरा ऐसे गोल है, ऊपर हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मतलब बाहर की तरफ होगी। इसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी, इसकी डायरेक्शन उस साइड में होगी। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है फाई, और फाई का फॉर्मूला क्या होता है, E·dS। लेकिन हमारे पास तो 3 क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा इसको ओपन करके लिखूंगा, तो E·dS1 + E·dS2 + E·dS3 ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। और ये जो S1 और S2 है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं क्योंकि बेलनाकार है तो बराबर होगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अपने पास में मिल जाता है S1, S2 और S3 के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब अगर S1 को ओपन करता हूँ तो मैं देखो S1 की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है जबकि E की दिशा उस डायरेक्शन में है, तो E तो उधर जा रहा है और S1 उधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो यदि मैं इसको ओपन करता हूँ तो E·dS की जगह ये E·dS1 cos 180 डिग्री, प्लस अगर S2 की बात करता हूँ तो S2 में भी डायरेक्शन उधर ही है और E की डायरेक्शन उधर ही है, मतलब दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। तो E·dS2 cos 0 डिग्री इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं S3 की, तो यहाँ पर E की डायरेक्शन तो उधर है, E तो बेचारा उधर ही है, लेकिन जो क्षेत्रफल की दिशा है अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये आपका ऐसे ये बेलन है, ठीक है, तो क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो 4 दिशाओं में मैं देखूंगा। अगर इधर देखो ऊपर तो ऊपर की ओर होगा, तो ऊपर की ओर वो और ई वो दोनों के बीच में 90 डिग्री। अगर यह डायरेक्शन यहाँ पर बिंदु होता क्योंकि बेलन है तो यहाँ बिंदु है, तो उसकी डायरेक्शन आपकी तरफ होगी और ई उधर की तरफ है, दोनों के बीच में 90 डिग्री। बेलन का नीचे वाला बिंदु है नीचे की तरफ होगा, ई उधर है 90 डिग्री, इधर रखू तो एस इधर होगा, ई उधर है 90 डिग्री। तो कहने का मतलब S3 और E के बीच में सदैव डायरेक्शन 90 डिग्री की होती है। तो यहाँ पर E·dS3
कोस 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब मुझे बताओ, यहाँ पर ई तो कांस्टेंट है और कोस 180 का मान माइनस में होता है, माइनस का वन, तो माइनस का वन और ई बाहर आ जाएगा, तो माइनस का ई बाहर आ गया और डीएस वन हो गया। चलो आगे इसको ओपन करेंगे तो इसमें ई जो कोस जीरो का मान तो वन होता है और ई जो कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा ई डी एस टू। आगे चलो, ये वैल्यू बेटा जीरो हो जाएगी। क्यों होगी ये वैल्यू जीरो? क्योंकि कोस 90 का मान जो होता है वो जीरो होता है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, अब ये करेंगे, मुझे पता है डीएस वन का इंटीग्रेशन, एक छोटे से पार्ट का मैं इंटीग्रेशन लूंगा तो ये एस वन के बराबर आएगा, इसी प्रकार डीएस टू का इंटीग्रेशन पूरा एस टू के बराबर आएगा, और एस वन और एस टू बराबर है, इसको मैंने लगभग एक एस के बराबर मान लिया। क्यों माना? क्योंकि दोनों का तो सेम ही है, सेम है, तो यहाँ पर माइनस ई और इसकी जगह एस वन आ जाएगा, एस वन एस के बराबर है और प्लस ई एस, ये से ये क्या हो गया कैंसिल, तो वैल्यू आ गई जीरो, मतलब जीरो। समझ में आ रही है आपको बात? तो इससे हमें पता चलता है कि समान विद्युत क्षेत्र में यदि समान आकृति, समरूप आकृति को मैं रखता हूँ तो उसमें से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स सदैव जीरो होगा। क्यों होगा? जितनी आ रही थी, जितनी एंटर कर रही थी, उतनी की उतनी एग्जिट कर रही थी, मतलब जितनी यहाँ आ रही थी उतनी ही जा रही थी, तो आने वाली जो होती है उनको हम नेगेटिव बोलते हैं और जाने वाली जो होती है उनको हम पॉजिटिव बोलते हैं। तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव को देख सकते हैं कि यह दोनों बराबर थी, तो दोनों बराबर थी तो कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या होगा? शून्य आएगा। मेरी बात को, इस पॉइंट को आप लिख दीजिए, इस एग्जांपल से एक पॉइंट आपको मिलता है। क्या पॉइंट मिलता है? विद्युत फ्लक्स के बारे में। वैसे तो मैं बाद में विशेष बिंदु में लिखा दूंगा, लेकिन माइंड में थोड़ा ध्यान रखना कि किसी बंद पृष्ठ में आने वाली विद्युत बल रेखाएं सदैव नेगेटिव या ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स देती हैं। क्या बोला? क्लोज्ड सरफेस में जो एंट्री करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड जो एग्जिट करती हैं वह हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें देती हैं। ओके बेटा, ओके। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की ओर, तो आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं। अब यदि मैं बात करता हूं कि किसी भी, मैं बात करता हूं कि किसी भी मटेरियल को यदि मैं आवेश देता हूं तो आवेश जो है वो सतत आवेश वितरण होगा, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब हमारा नया टॉपिक जो है वो क्या है? आवेश वितरण, और वो भी कौन सा आवेश वितरण? सतत आवेश वितरण। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे आप लोग? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके बच्चा, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये मुख्यतः तीन प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार? आइए हम देखते हैं। तो पहला जो होता है वो है रेखीय आवेश वितरण, जिसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, और तीनों को मैं यहीं पे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो ध्यान से मेरी बात को, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखो, कानों में एयरफोन डालो और मेरी बात को सुनते चलो। तो पहला जो प्रकार होता है वो होता है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, याद रहेगा। दूसरा जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं हम पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या बोलेंगे बेटा? पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण।
देखो पहले लीनियर था, अब पृष्ठीय आवेश वितरण है। इंग्लिश मीडियम आप लोग क्या बोलना पसंद करेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और तीसरा जो था वो आप ये देखो, एक तो लाइन से चल रहा है, एक पृष्ठीय चल रहा है, अब तीसरा जो होगा वो आयतन का होगा, 1D, 2D और 3D। तो यहां पर आयतन आवेश वितरण, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको चीजें पता चल रही होगी कि मैं अब क्या करने वाला हूं। तो यहां पर मैंने तीनों को सापेक्ष मोड में पढ़ना शुरू कर दिया। चलो इसमें हम एक नए चीज को देखेंगे। इसमें हम देखो क्या होता है, सरफेस रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। इसको मैं एक बार समझा देता हूं, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को आवेश देता हूं, तो वह आवेश तीन रूप से उसके ऊपर वितरित हो जाएगा। मतलब मैं यदि किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देता हूं, तो वह थ्री टाइप्स में उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कौन कौन से थ्री टाइप? लीनियरली होगा, रेखीय होगा, या फिर उसकी सरफेस के ऊपर होगा, या फिर उसके आयतन के अंदर होगा। अब लीनियर कब होता है? जब मेरी ऑब्जेक्ट यदि कोई पतला वायर है, पतला तार है, पतले तार को मैंने आवेश दिए, तो वह तार के लीनियरली मतलब रेखीय रूप से उसके ऊपर आ जाएगा। ओके बेटा, और इसमें हम रेखीय आवेश घनत्व पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व? क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व? का मतलब प्रति एकांक लंबाई में आवेशों की जो संख्या होती है उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। उसके बाद इसको रेखीय आवेश घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोला मैंने? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसमें हम रेखीय आवेश घनत्व पढ़ेंगे। तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं साथ में, आप फॉर्मूले से पक्का, मुझे पता है मैं जो फॉर्मूला लिखूंगा उसमें से आप क्यों चुटकी बजाते हो उसकी परिभाषा बोल दोगे, क्योंकि मैंने आपको तैयार किया है। देखो विश्वास नहीं हो तो रेखीय आवेश घनत्व, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा क्यू अपॉन एल। क्या होता है? क्यू अपॉन एल। अब बनाओ इसकी परिभाषा, क्या होगी इसकी परिभाषा? क्यू अपॉन एल लिखा हुआ है, तो बताओ बेटा कि एकांक लंबाई में कुल आवेशों की संख्या रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। याद आया नहीं आया क्या कि a बराबर b अपॉन c था? तो इसकी डेफिनेशन क्या बन रही थी? इसकी डेफिनेशन क्या बनी थी? एकांक c के मान पर b का मान a कहलाता है। वही तो है, एकांक l का मतलब लंबाई, एकांक लंबाई में कुल आवेशों की संख्या रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब बताओ इसकी डेफिनेशन लिखवाऊं क्या? नहीं, याद हो गई आपको तो आपको लिखनी है, ठीक है ना? क्या होगी? द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी प्रकार यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देता हूं, और सपोज दैट कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको चार्ज देता हूं, तो इसके बाहर पृष्ठ के क्षेत्रफल ही आवेश जो है वितरित हो जाता है। मतलब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश वितरित हो जाता है, सरफेस एरिया पर ही मेरा चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। और यदि ये चार्ज इसके अंदर तक वॉल्यूम में जाता, आयतन में जाता, तो कौन सा होता? आयतन आवेश वितरण। और इसी प्रकार रेखीय आवेश घनत्व था, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? यहां हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व, इंग्लिश मीडियम सरफेस
चार्ज इस डेंसिटी, क्या बोल दिया मैंने यहां पर, डेंसिटी, डेंसिटी ठीक है बेटा। और इसका फॉर्मूला जो है वो सिग्मा से डिनोट करेंगे, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस। अब बताओ एस क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल है एस, एस क्या है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है आपको साफ नहीं दिखे तो थोड़ा मैं बड़ा लिखूं, या आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। तो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, लेकिन यदि मैं छोटे से अल्पांश की बात करूं तो उस छोटे से अल्पांश के लिए क्या बनेगा, डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन डी एल। इसी प्रकार यहां छोटे अल्पांश की बात करूं तो डी क्यू अपॉन डी एस, ये बन जाएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की संख्या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज नॉन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी प्रकार यहां पर भी क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हाँ क्या फॉर्मूला होगा, इसको रो से डिनोट करेंगे, इसको किससे, रो से, पी नहीं है बेटा ये, क्या है रो, रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन वी या फिर डी क्यू अपॉन डी वी। तो ये फॉर्मूला आ गया, क्या डेफिनेशन बनाओ इसकी, इंग्लिश मीडियम बनाओ बेटा डेफिनेशन क्या होगी इसकी, कि द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एकांक आयतन में कुल आवेशों की जो संख्या होती है उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। चलो अब इसका मात्रक बता दो मुझे, इस देखिए आवेश घनत्व का मात्रक, लैम्डा का मात्रक क्या होगा बेटा, ऊपर तो क्या है क्यू, मतलब क्या होता है कूलाम, और अपॉन में लेंथ है मतलब लंबाई, तो कूलाम, कूलाम अपॉन मीटर, तो क्या हो गया कूलाम अपॉन मीटर। क्या मैं कूलाम को देखो सी अपॉन एम लिख देता हूं, थोड़ी स्पेस का मैं कंपेयर करके चल रहा हूं ना इस हिसाब से, तो सी अपॉन एम लिख दिया कूलाम अपॉन मीटर, या फिर कूलाम को आप क्या लिख सकते हो, याद कराओ अब माइंड थोड़ा चलना चाहिए, जो फॉर्मूला मैंने दो बार या तीन बार आपको बोल दूं, लिखवा दूं, उस फॉर्मूले को अब माइंड में बोलना शुरू करो, क्योंकि देखो बहुत वाइड एरिया है हमारे सिलेबस का, बहुत ही वाइड है, और उस सिलेबस को हमें दिमाग में सेट करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर I बराबर Q अपॉन T, तो Q बराबर I इंटू T, Q कूलाम होता है, I एम्पियर होता है, T सेकंड होता है, तो एक कूलाम बराबर एम्पियर इंटू सेकंड, तो एक फॉर्मूला क्या ओपन किया, कूलाम की जगह एम्पियर इंटू सेकंड अपॉन मीटर। आप देख सकते हैं बेटा ये जो बात है ये है आपकी मूल मात्रकों में ही है, तो लैम्डा की वीमा भी तो बता सकते हैं ना, तो लैम्डा की वीमा क्या होगी, वीमा बताइए जरा आप, वीमा जो है वो इसकी हो जाएगी, क्या होगी बेटा वीमा, वीमा होगी इसकी एम मतलब द्रव्यमान, मास, मास का मात्रक केजी का ही दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, एल लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर अपॉन में दिख रहा है, ऊपर जाएगा माइनस वन आ जाएगा, टी टाइम, टाइम का सेकंड दिख रहा है वन हो गया, और ये एम्पियर क्या हो गया वन हो गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आज से लगभग दो या तीन साल की पहले बोर्ड की कक्षा में ये क्वेश्चन पूछा था कि रेखीय आवेश घनत्व का की वीमा लिखो, आधा नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, एक तो आपको ये लिखना होता है, उसके लिए आपको पता होनी चाहिए बातें, एक दो बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब बताओ बेटा इसकी मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा आपके पास में, तो अंतर तो क्या है, यहाँ कूलाम Q अपॉन L था तो कूलाम अपॉन मीटर, यहाँ Q अपॉन S है, Q का तो कूलाम होता ही है, S मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, या फिर कूलाम को मैं एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकता हूँ, एम्पियर इंटू सेकेंड और अपॉन में मीटर स्क्वायर हो गया,
बताओ बेटा इसकी वीमा डायमेंशन क्या हो जाएगी? वीमा हो जाएगी गुरुजी एम, एम की वीमा जीरो, क्यों? केजी तो है ही नहीं। एल, एल की वीमा अपॉन में मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, माइनस का टू आएगा, तो एल की वीमा माइनस टू, टी की वीमा वन और एम्पियर की वीमा, एम्पियर की वीमा वन हो जाएगी। तो ये हो गया आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसी प्रकार यदि मैं आयतन आवेश घनत्व की बात करता हूं तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा क्यू की जगह कूलाम अपॉन वॉल्यूम आयतन। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है, तो आयतन का मात्रक मीटर क्यूब हो गया। कूलाम को मैं क्या लिख सकता हूँ? कूलाम को मैं एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकता हूँ, और अपॉन में बेटा कौन है? मीटर क्यूब है। इसकी वीमा बता दो जरा मुझे, क्या होगी इसकी वीमा? तो यहाँ पर एम केजी तो है ही नहीं, तो एम जीरो, एल लंबाई मीटर क्यूब अपॉन में है ऊपर जाएगा तो माइनस की थ्री, तो एल माइनस थ्री, टी वन और एम्पियर वन। तो ये हो गया आपके तीनों प्रकार के आवेश वितरण, और उन तीनों प्रकार के आवेश वितरणों में तीन हमने फॉर्मूले देखे, लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस और रो बराबर क्यू अपॉन वी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके बच्चों, तो आपको ये तीनों बातें ध्यान होनी चाहिए ताकि हम गाउस का जो नियम पढ़ेंगे उस गाउस के नियम में हमारे ये तीन बातें काम आएगी। ओके, तो इसको करता हूं मैं साफ। अब हम बात करने वाले हैं गाउस के नियम की। उस गाउस के नियम को बताने से पहले मैं आपको गाउस का नियम जो है वो समय के अनुसार अपन चलेंगे अगली कक्षा में, लेकिन उसके लिए हमें गाउसियन पृष्ठ को समझना बहुत ही जरूरी है। देखो गाउस का नियम तो अप्लाई करना बहुत आसान है, लेकिन गाउस का नियम पढ़ना तो बहुत ही आसान है, लेकिन गाउस के नियम की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करेंगे। तो गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आपको गाउसियन पृष्ठ के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो क्या होता है गाउसियन पृष्ठ? गाउसियन पृष्ठ, जिसको गाउसियन सरफेस बोलते हैं, क्या होता है बेटा? ये एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, इमेजिनरी सरफेस होता है। इमेजिनरी सरफेस होती है, हमारी कल्पना होती है कि भाई ऐसा हो सकता है, और ये इमेजिन जो हम करते हैं ना, कल्पना करते हैं, वो किसके ऊपर आधारित करते हैं? बेस्ड ऑन सोर्स, मतलब सोर्स पर आधारित होती है ये मेरी कल्पना, कि भाई जो कल्पना होगी वो कैसी होगी बेटा? सोर्स पे आधारित होगी, मतलब सोर्स कैसा है, जो चार्ज है उसका सोर्स कैसा है, वो जो चार्ज है वो किस वस्तु पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो हम एक पॉइंट सोर्स लेते हैं, एक लाइन सोर्स लेते हैं। पॉइंट सोर्स का मतलब लट्टू होता है या सूर्य होता है, सूर्य इतना बड़ा है, इसको मैं छोटा कर दूं तो पॉइंट सोर्स बन जाएगा, और लाइन सोर्स का मतलब घरों में हम ट्यूबलाइट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर दो अलग अलग सोर्स हो गए। तो यहाँ सोर्स के आधार पर हमने देखा कि जो गाउसियन पृष्ठ होता है वह काल्पनिक पृष्ठ, यह तीन प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा तीन प्रकार बेटा? पहला जो प्रकार है वो है गोलाकार। कौन सा? गोलाकार। गोलाकार पृष्ठ हो सकता है हमारा, इंग्लिश में बोलूं तो स्फेरिकल गाउसियन पृष्ठ हो सकता है। दूसरा कौन सा हो सकता है? बेलनाकार। सिलेंड्रिकल हो सकता है। और तीसरा जो प्रकार है वो है घनाकार। कौन सा कार? घनाकार। घनाकार का मतलब क्यूबॉइड के फॉर्म में हो सकता है, क्यूबॉइड बोल दो या फिर घनाभाकार बोल दो,
घनाभाकार बोल दो, क्यूब, घनाकार को क्यूब बोलते हैं या क्यूबॉइड घनाभाकार, ये हो सकते हैं तीन प्रकार के। हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे तो ये एक से ही काम चल जाएगा, बेलनाकार से ही काम चल जाएगा, और कुछ जैसे गुलाम का नियम लगाऊंगा कोई एक चार्ज तो उसके लिए मुझे ये गोलाकार भी यूज करना पड़ेगा। घनाभाकार का अभी हमारे जीवन में कोई उपयोग में नहीं है, लेकिन इसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर बनते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में घनाभाकार जो है गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। हमारे जो अनुप्रयोग जो है उस अनुप्रयोग में बेलनाकार पृष्ठ से काम चल जाएगा, लेकिन हम जब कुलाम के नियम की सहायता से गाउस के नियम का सत्यापन करेंगे तो उस केस में गाउसियन पृष्ठ जो है वो हमें गोलाकार लेना पड़ेगा। तो बताओ अब पृष्ठ गाउसियन पृष्ठ कितने प्रकार से एज्यूम कर सकते हैं? हम तीन प्रकार से। गोलाकार कब करेंगे? कुलाम से गाउस का नियम का सत्यापन करेंगे, प्रूफ करेंगे, तब हम स्फेरिकल सरफेस को एज्यूम करेंगे। बेलनाकार सिलेंड्रिकल को कब करेंगे? जब हम गाउस के लॉ के एप्लीकेशन को पढ़ेंगे तब हम सिलेंड्रिकल को देखेंगे। और जो लास्ट वाला है क्यूबॉइड या क्यूब वाला, वो कब करेंगे? जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब इस प्रकार के पृष्ठ की कल्पना कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों ये है हमारी बेसिक चीजें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के संबंधित। तो आई होप मेरी बातों को आपने समझा होगा, और अगर आपके पास में किताब है तो किताब का आप किताब पढ़ना शुरू कर सकते हैं। मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर उस नोट्स में आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, आप बुक की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है बेटा। और अगर आपकी कोई समस्या है तो प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान जरूर करें। धन्यवाद।